mind. Okay. Now today we will teach you Hindi lesson 7 प्रेरक व्यक्ति. Okay. हम इस लेसन में प्रेरक व्यक्तियों के बारे में रीड करेंगे. इस लेसन में 3 प्रेरक व्यक्तियों के बारे में बताया गया है. पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस और तीसरे प्रेरक व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी. ठीक है, तो हम एक एक करके हम इसे समझेंगे. ओके, कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, है ना, और उन्हें किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इस पॉइंट में हम इसे पढ़ेंगे. स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति तथा मूर्ति और पूजा के घोर विरोधी थे. ठीक है, जो दयानंद जी थे, जो स्वामी दयानंद जी थे, उन्हें पूजा और सरस्वती पूजा और पाखंड की वो बहुत ही विरोधी थे. उन्हें बहुत वो विरोध करते थे और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी. किन्हें की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने. आगे रीड करते हैं. अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे. जो लोग देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचते हैं और अपने परिवार का खर्च चलाते थे, यह बात पसंद नहीं आई. वे लोग स्वामी जी के क्रुद्ध हो गए और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचने लगे. मतलब स्वामी जो सरस्वती जी जी थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और ये सरस्वती पूजा और पाखंड के बहुत घोर विरोधी. मतलब पाखंड मीन्स यहाँ पर दिया गया है, इससे मतलब है पाखंड का ढोंग से, है ना, कि जो मूर्ति पूजा करके पूजा करते थे वो उनको ढोंग मानते थे, तो इसलिए उनका वो विरोध करते थे, है ना. तो विचार जो थे स्वामी जी लोगों को भी देते थे, यही विचार कि आप लोग मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं कीजिए, है ना. जो लोग देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचते हैं और अपने परिवार का खर्च चलाते थे, यह बात पसंद नहीं आई. मतलब स्वामी जी को ये बात पसंद नहीं आई. वे लोग स्वामी जी से बहुत ज़्यादा क्रोध मीन्स नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुँचाने की बात सोचने लगे. ठीक है, तो आगे रीड करेंगे. एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल ही गया वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके. उसने स्वामी जी को पान में विष दे दिए. क्या दे दिए? पान में उन्होंने विष दे दिया. किसने? किसी ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए, है ना. तो स्वामी जी को शीघ्र ही इस बात का पता चल गया. उन्होंने बागी क्रिया करके तुरंत विष को शरीर से बाहर निकाल दिया और इसी प्रकार अपने प्राण रक्षा की. ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति थे जो स्वामी जी उनको पसंद नहीं आते थे, उनको अपाखंडी मानते थे. ठीक है, तो उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए, उन्हें हानि पहुँचाने के लिए उन्होंने स्वामी जी को पान में विष मिला के दे दिया था. मीन जहर मिला के उन्हें दे दिया था कि ये जल्दी ही मतलब विष के कारण मर जाए. ठीक है, लेकिन उन्होंने जैसे ही उस पान को खाने का प्रयास किया तो उन्हें शीघ्र ही पता चल गया कि इसमें किसी प्रकार का विष मिला हुआ है. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने योगा क्रिया, मतलब योगा में बागी क्रिया द्वारा बागी क्रिया करके तुरंत विष को शरीर से बाहर निकाल दिया था. ठीक है, इस प्रकार उन्होंने अपने प्राण की रक्षा की. सब कुछ जानते हुए भी स्वामी जी अपराधी से कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं है. यह घटना अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है. उस समय वहाँ सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बहुत बड़ा
बहुत बड़ा प्रशंसक है था। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। यह काम करके प्रसन्नता पाने के उद्देश्य से तहसीलदार स्वामी जी के पास गए और सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसीलदार का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर उससे उन्होंने कुछ नहीं बोले। तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि नाराजगी का कारण पूछा। उसने उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर इस दृष्टि अपनी दृष्टता नहीं छोड़ा तो भला अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उसके आगे नतमस्तक हो गए। स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से उन्होंने लोगों का उपकार करना चाहा, लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्हें जहर दिया गया था, है ना। तो ये था होमवर्क अपना आज का, कि लेसन चैप्टर रीड करके आए। ओके स्टूडेंट।